नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु ये वर्ष गौरक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत निराश्रित गौवंश को प्रदेश की गौशाला और गौ अभ्यारण में भेजा जाना है। आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील में 472 हेक्टेयर भूमि पर देश का पहला कामधेनु गौ अभ्यारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसमें करीब 6000 गायों को रखे जाने हैं तो 24 शेड का निर्माण भी वर्षों पूर्व किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में दर्जनों भर गौशालाएं संचालित की जा रही है। शासन द्वारा इनके संचालन हेतु अनुदान भी दिया जा रहा है। वर्तमान में पूर्ण क्षमता अनुसार 1000 गोवंशों को और भी रखा जा सकता है। वर्तमान में गौ अभ्यारण सहित कुछ गौशालाओं में क्षेत्र से बाहर व अन्य प्रांतों की भी गायों को लाकर रखा जा रहा है, जबकि सुसनेर क्षेत्र में सैकड़ों गोवंश सड़कों पर भटक कर आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं और भूख से पॉलिथीन आदि खाकर आज समय काल के मुंह में समा रही है, जिससे क्षेत्र में कभी भी अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है। पूर्व में भी इसको लेकर कई बार नगर के सामाजिक संगठनों व नगरवासियों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिस पर प्रशासन द्वारा सुसनेर नगर के समस्त गौवंश को अभ्यारण भेजे जाने का आश्वासन दिया था, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। सुसनेर क्षेत्र में सड़कों पर भटक रहे निराश्रित गौवंश को कामधेनु गौ अभ्यारण गौशालाओं में अतिशीघ्र 3 दिवस में आश्रय दिलवाने का कष्ट करें, अन्यथा नगरवासियों के सहयोग से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। नगर के समस्त पत्रकारगण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश आगर मालवा से मनीष राठौर के जो सुसनेर क्षेत्र में कई गौशाला गौ अभ्यारण होने के बावजूद भी सड़कों पर गौवंश घूम रहा है निराश्रित गौवंश, इनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? यह सुसनेर क्षेत्र में जो गौवंश के बारे में आप लोग बता रहे हैं सड़कों पर घूम रहा है, उसके लिए शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर सर ने भी इसके संबंध में मीटिंग ली थी। और जो गाँव में गौशाला है और जहाँ पर गौशाला की जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से वहाँ गौवंश रखे जाने के निर्देश दिए हैं, और ऐसी चरणी भूमि जो गांव के लोगों ने अतिक्रमण करके अपने पास रखी उसको भी हटा के गौवंश के लिए किया जा रहा है। इसी तारतम्य में लगभग 1500 से 2000 बीघा जमीन का अतिक्रमण हटाया भी है, और चूंकि गायों के लिए शेड वगैरह व्यवस्था रहती है, इस कारण वो अभी वहाँ सिर्फ चरने के लिए उस भूमि का उपयोग कर रहे हैं, पर भविष्य में ये सारी जो गौवंश सड़कों पर उसको वहाँ से हटाने का प्रयास करें। सर, अभी गौ अभ्यारण्य में भी कैपेसिटी से और भी गौवंश को रखा जा सकता है, क्या वहाँ भेजा जाएगा? सालरिया गौशाला में भेजी है नलखेड़ा से और सुसनेर से गाय है, अभी उसकी कैपेसिटी का आकलन कर लेंगे, अगर वहाँ पर स्थान होगा तो निश्चित रूप से सुसनेर और क्षेत्र की गायों को वहाँ भेजा जाएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।